मुझे राम नहीं, मेरे बच्चे के लिए रोजगार चाहिए। राम जी तो हम सबके बीच में पहले से ही हैं। ये बीजेपी वाले हम सबको राम के नाम पे बरगलाना चाहते हैं, पर हम नहीं डगमगाएंगे। क्यों? राम जी हमारे कब के आ चुके हैं और हम सबका वोट डॉक्टर उदित राज जी को होगा। इनका सिर्फ काम है ईडी को, दिल्ली पुलिस को, ये सिर्फ एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं और जनता की आवाज़, स्पोर्ट्स पर्सन की, किसानों की, सबकी आवाज कुचल रहे हैं। अच्छा, सब समझ गए हैं, महिलाएं भी समझ गई हैं, सब लोग समझ गए हैं, ये सरकार फेल है, इसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। देखिए, राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। आप देखेंगे फॉरेन में, अमेरिका, कहीं भी उसको रियल में इम्प्लीमेंट कर रखा है, लेकिन हमारे जो कानून है वो सिर्फ किताबों में ही रह गए हैं। चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन की बात हो, या वो राइट की बात हो, या युवा की बात हो। और इलेक्शन से पहले इन्होंने बवंडर मचाया कि हाँ 50% का, लेकिन हुआ। आप देखिए, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, मैं नाम नहीं लूंगी, नेक्स्ट हमारी, बिल्कुल जो हम जिसको ये शो करते हैं कि हमारे दुश्मन जो भी हैं, पर उधर भी 50% है वुमेन। पार्लियामेंट में मोस्टली कंट्रीज में 50% है, लेकिन हमारे देश में अब तक नहीं हुआ है। आप महिलाओं की बात कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण, मणिपुर में क्या हुआ था जी? खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ था? इतने बड़े बड़े पदक जो सहेजने चाहिए, उन खिलाड़ियों के माँ बाप ने अपना घर बेच बेच के, अपने भैंस गाय बेच बेच के अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाया था, उनके पदक वो रोड पे रख के आए हैं, इतने मजबूर हो गया, आज उनके दिल पे क्या बीतरी है? यही सशक्तिकरण है। देखिए, राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। आप देखेंगे फॉरेन में, अमेरिका, कहीं भी उसको रियल में इम्प्लीमेंट कर रखा है, लेकिन हमारे जो कानून है वो सिर्फ किताबों में ही रह गए हैं। चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन की बात हो, या वो राइट की बात हो, या युवा की बात हो। और आप लोग देखिए, लॉकडाउन के बाद कितना अब तक इतने फॉरेन में इतने बच्चे युवा नहीं गए थे जितना लॉकडाउन के बाद गए हैं, क्योंकि उनको लग गया यहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, उनकी एजुकेशन सिस्टम या तो इतना महंगा है या फिर वो कर नहीं पाते। तो इसी वजह से सब लोग वहाँ मूव ऑन हो रहे हैं। और लेडीज की बात रही, ना यहाँ पे कोई सुरक्षा है लड़कियों की, ना उनको एम्प्लॉयमेंट में, ना पॉलिटिकल कोई भागीदारी नहीं है। अभी इलेक्शन से पहले इन्होंने बवंडर मचाया कि हाँ 50% का, लेकिन हुआ। आप देखिए, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, मैं नाम नहीं लूंगी, नेक्स्ट हमारी, बिल्कुल जो हम जिसको ये शो करते हैं कि हमारे दुश्मन जो भी हैं, पर उधर भी 50% है वुमेन। पार्लियामेंट में मोस्टली कंट्रीज में 50% है, लेकिन हमारे देश में अब तक नहीं हुआ है। अच्छा। महिलाएं कांग्रेस के साथ हैं क्योंकि कांग्रेस प्रोग्रेसिव है, और हमेशा से जब देश को आज़ादी मिली थी तो तब से इन लोगों ने जो राइट्स और संविधान बनाया, तो वुमेन की अवेयरनेस, उनका पार्टिसिपेशन हो, तो हर एक इलेक्शन में उन्होंने जो किया है तो करके दिखाया। सिर्फ वो टीवी में या अपनी पब्लिसिटी के सिर्फ स्टंट नहीं रहे। मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ रेसलिंग में। आप देखिए, अभी हाल ही में हमारा जो रेसलिंग का पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन तो किसान आंदोलन था, फिर हुआ हमारे रेसलर्स का आंदोलन। रेसलर्स के साथ कितनी उनकी बेइज्जती की गई, जब वो मेडल लेके आ रहे हैं तब तो वो उनके परिवार की लड़की बन गई विनेश, और जब वो रोड पे अपना हक मांगने आ रही है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है और आप इसको टर्मिनेट कीजिए, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहना चाहिए, ये स्पोर्ट्स की एक सेंसिटिव पोस्ट पे नहीं रहना चाहिए, तो इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। वो तो, और जब जनवरी में पिछले साल हुआ तो इन्होंने सिर्फ उनको गोलीबाजियाँ दी कि हाँ हम आपकी सुनवाई करेंगे, लेकिन सिर्फ उनको वो आंदोलन से हटाना था। तो ऐसा अत्याचार आपने पूरे वर्ल्ड में किसी लड़की पे नहीं देखा होगा, और ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन पे कि जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको खुद अपने राइट्स के लिए ऐसे जंतर मंतर पर आना पड़े, और जब उनके लिए बेड पहुंचाए गए या सुविधा कुछ भी, एक सिर्फ बेसिक नीड्स कि भाई वहाँ पे टॉयलेट्स, बाथरूम जो रेडीमेड वाले भिजवाए, उन सब चीज़ों को कैसे पुलिस को एक हथियार बना के, इनका सिर्फ काम है ईडी को, दिल्ली पुलिस को, ये सिर्फ एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं और जनता की आवाज़, स्पोर्ट्स पर्सन की, किसानों की, सबकी आवाज़ कुचल रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ एजेंडा बना के लोग, इनकी आदत है, अगर कोई हिंदू मुस्लिम खड़ा है तो उनको ऐसे लड़ाई करके दिखवा देंगे कि वो उसको पत्थर मार रहा है। और आपने ध्यान दिया होगा, यूपी में भी इन्होंने वर्दी पहना के पुलिस दिखा दिया कि पुलिस ने किया, जबकि वो आरएसएस के बंदे थे। तो ये जो बवंडर मचा रहे ना, फेक न्यूज क्रिएट करना, फेक बंदे कहीं भी घुसा देना, सारे रेसलर की उनको कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं था, ना उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा, वो सिर्फ तभी वो, इनफैक्ट वो तो और पार्टीज को ये कह रहे कि आप पॉलिटिकल मेन लीडर ना आए, उन्होंने फिर बाद में सबको कहा अब सब आ जाओ, जब उन्होंने लगा कि ये बिल्कुल सुनवाई नहीं करें। अदरवाइज जब पहले वो स्टार्टिंग में बैठे तो उन्होंने मना की कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमें ना आके साथ दे, अदरवाइज आप लोग साथ देंगे तो ये हमें यही बनाएंगे, और वही चीज हुई। मैं उदित राज सर का सपोर्ट करूंगी क्योंकि वो ही साथ अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जब, तो उन्हीं के पास तो सारी पब्लिक आती थी, ये 2014 की बात बता रही हूं मैं आपको। और उनको अगर कोई मैसेज भी करता है ना, कोई युवा, कोई लेडी,
भी या कोई भी कि भाई ये प्रॉब्लम है तो कहते हैं मेरे पास मत आओ, वो सीधा प्रॉब्लम ही सॉल्व होती है। ये मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ, मैंने कितने लोगों की मदद की, चाहे वो स्कूल में एडमिशन के रिगार्डिंग है या वो साफ सफाई का है या कुछ भी है, इनफैक्ट कहीं होगी तो जिनके लिए वो अप्रोच कर सकते थे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है किसी को बोलना, तो वो फैसला ऑन द स्पॉट करने वाले नेता हैं, एक एजुकेटेड पढ़े लिखे नेता हैं जो बदलाव की राजनीति में बिलीव करते हैं। और ऐसे पहले नेता आप कहीं भी देख लिए, इतनी महिलाएं कभी किसी के साथ नहीं जुड़ी थी जितनी युवा और महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं, तो वो काम करते हैं तभी तो उनके साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। उदित राज जी, बिकॉज ही इज अवेलेबल ऑल द टाइम 24/7 टू अस। अगर हम ये कहें कि कैसे काम होना है तो मुझे लगता है बाकी सबको सीखना चाहिए उदित राज जी से। लोगों को ऐसा लगता है बट यू विल हैव टू सी द पावर। You are saying that if a person is powerful, people will understand that okay, दबंग है, बाहुबली है। दबंग और बाहुबली का जनता के लिए क्या मतलब है? जो उनकी समस्याएं सुलझा दे। हमें थोड़ी ना ऐसा नेता चाहिए जो मारपीट तक चलता हो। लोगों को ऐसा शायद लगता होगा और ये एक गलत परसेप्शन है जो फैलाया गया है। मुझे नहीं लगता उदित राज जी के लिए मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा कि वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अच्छा। ये उनकी प्लस पॉइंट्स हैं। लोगों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। जहाँ तक आपने कहा मोदी जी के चेहरे का सवाल है, तो मैंने कई बार कैंपेन में देखा है कि बहुत सारे लोग तो मोदी जी का मास्क भी लगा के घूमते हैं। अच्छा। ऐसा है नहीं, ये एक तरह का लोगों का गलत ट्रीटमेंट रहा आज तक मीडिया का, स्पेशली जो गलत मैसेजेस पहुंचाते हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो लोग बदलाव चाहते हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एग्रीइंग विद यू ऑन दिस पॉइंट कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। माइसेल्फ इज अ वुमन, राइट? आई एम प्रैक्टिसिंग इट सुप्रीम कोर्ट, आई एम एन एडवोकेट, एंड आई एम फीलिंग हम और ज्यादा वीकर हुए हैं 10 सालों में। Yep. मोदी काल। Yes. अच्छा। और सबसे ज्यादा जो मेरे जहन में मतलब चीख कर निकल जाता है, दिल में छेद कर देता है, वो है हाथरस कांड। हाथरस कांड की जो सबसे बुरी बात थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट सपोर्टेड था। गवर्नमेंट चीजों को पुश करके नीचे दबाना चाहती है, पाइल अप करना चाहती है। बहुत सारे लोगों ने उसमें काम किया और हम आज भी कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को अगर मैं देखूं तो हम महिलाएं पीछे ही गई हैं, आगे और कोई भी ग्रुप आगे नहीं गया जी। सभी दबाव महसूस कर रहे हैं और अब सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ। इतराज हर किसी, हर लड़की की, हर महिलाओं की, हर बुजुर्गों की, सब की मदद करते हैं। हाँ। और ये नहीं कि वो पार्टी में जीत गए या हार गए, तब भी वो मदद करते हैं जी। अगर कोई बीजेपी का भी आ गया ना, उसकी भी मदद करते हैं। अच्छा। तो इसलिए उदित राज का होना बहुत जरूरी है। कहीं भी नहीं है चंदोलिया जी, कहीं भी नहीं है। अच्छा। नोवेयर। अच्छा। और आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो भी अपने लोगों के बीच में विश्वसनीय खो चुके हैं। अच्छा। बीजेपी भी खो चुकी है, बीजेपी का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। आप महिलाओं की बात कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण, मणिपुर में क्या हुआ था, खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ था? इतने बड़े बड़े पदक जो सहेजने चाहिए, उन खिलाड़ियों के माँ बाप ने अपना घर बेच बेच के, अपने भैंस गाय बेच बेच के अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाया था, उनके पदक वो रोड पे रख के आए हैं, इतने मजबूर हो गया, आज उनके दिल पे क्या बीतरी है? यही सशक्तिकरण है। सब समझ गए हैं, महिलाएं भी समझ गई हैं, सब लोग समझ गए हैं, ये सरकार फेल है, इसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो आप दबंगे की बात कर रहे थे ना कि लोग चाहते हैं दबंग हो, देख तो लिया है मोदी जी को और शाह जी को, आप दबंगे का क्या करेंगे? लोकतंत्र को बचाएंगे? महिलाएं अपने घरों को बचाएंगे, अपनी बेटियों को बचाएंगी, अपने बच्चों के रोजगार देखेंगी महिलाएं? और ये जो अन्याय हो रहा है चारों तरफ, महिलाएं ये देखेंगी? किसी भी रोड पे महिला का कोई बेटा बाहर जाता है, थोड़ी देर में खबर आ जाती है उसका मर्डर हो गया, ये दबंगई देखेंगी महिलाएं? महिलाएं कहते हैं बहुत हो गया, शरीफ इंसान, लोकतंत्र को बचाने वाला इंसान, हमारे हकों के लिए लड़ने वाला इंसान, हमारे बच्चों को रोजगार देने वाला इंसान, ऐसा इंसान चाहिए। और हमारे उदित राज जी सांसद जो हैं, जो थे पहले, आपने देखा ही है उनका प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, लोग उनसे बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बात कीजिए, लोकसभा में उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ, महिला होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। मैं चाहूँगी मेरा बच्चा जब बड़ा हो, कम से कम मैं उसको ये तो कह सकूँ कि मैंने अपने वोट का सही से इस्तेमाल किया और ऐसे नेता को चुना है जो वाकई में लोगों के बीच रहता हो, लोगों के काम करता हो। वो एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जब पिछली बार भी सांसद थे तब एक हफ्ते में 5 बार
जनता दरबार लगाना कोई छोटी बात नहीं है। दो बार सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए तो कुछ तो उन्होंने इतना अच्छा किया ना कि वो दो बार, पाँच साल में दो, कोई नेता एक बार भी नहीं सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना जाता, वो पाँच साल में दो बार चुने गए हैं। मुझे राम नहीं मेरे बच्चे के लिए रोजगार चाहिए। राम जी तो हम सबके बीच में पहले से ही हैं। ये बीजेपी वाले हम सबको राम के नाम पर बरगलाना चाहते हैं पर हम नहीं डगमगाएंगे। क्यों? राम जी हमारे कब के आ चुके हैं और हम सबका वोट डॉक्टर उदित राज जी को होगा।